आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको ऐसे पद्यांश का संदर्भ व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य बताएंगे जो आपकी परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आज का पद्यांश है मैथिली सरण गुप्त जी के द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ का 8 नंबर का पद्यांश, और जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। इस पद्यांश का संदर्भ व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य हम आपको लिखने का तरीका बताएंगे इस वीडियो के द्वारा। और यदि आपने इसके पहले यानी इस पाठ का जो है पंचवटी शीर्षक पाठ का पहला पद्यांश चारुचंद की चंचल किरणें, दूसरा पद्यांश पंचवटी की छाया में है, तीसरा पद्यांश किस व्रत में है वृत्ति वीर यह, और चौथा पद्यांश मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, पांचवा पद्यांश जो कि इस प्रकार से है क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, और छठा पद्यांश है विखेर देती वसुंधरा, सातवां पद्यांश सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से। इन सभी पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देखकर अपनी नोट्स बना सकते हैं, अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ जाना है और आपको यहाँ पर हिंदी विषय से रिलेटेड हर टॉपिक से महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करते रहें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी लाभ होता रहे। तो इस पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखने से पहले पद्यांश के प्रथम यानी शुरुआत के शब्दों को और उसके अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। यहां पर आपको ध्यान देना है, ब्लैक पेन से लिखना है आपको शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को। 13 वर्ष व्यतीत और अंतिम के शब्द क्या हैं, किस धन की। फिर आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ, बिल्कुल आसान है संदर्भ, आपको रटना नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली सरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत जो पद्यांश है हिंदी काव्य में संकलित, अथवा आप लिख सकते हैं हिंदी के काव्यखंड में संकलित पंचवटी शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, मैथिली सरण गुप्त जी हैं। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली सरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है अथवा अवतरित है। तो आपको क्या करना है कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित, हिंदी काव्य आपको ब्लैक पेन से लिखना है और साथ ही आप ध्यान देंगे कि रचयिता अथवा कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है जब भी आप संदर्भ लिखें, और साथ ही पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। जैसा यहां पर संदर्भ लिखा है सेम इसी तरह से आप संदर्भ लिखेंगे। पंचवटी पाठ का कोई भी पद्यांश आपसे परीक्षा में पूछा जाए सभी में आप यही संदर्भ लिख सकते हैं, संदर्भ में कोई भी बदलाव आपको कहीं पर भी नहीं करना है। तो चलिए इस पद्यांश का आप प्रसंग कैसे लिखेंगे और प्रसंग में क्या दिया होता है कि पद्यांश के अंतर्गत क्या बताया गया है, यानी पद्यांश में किसके बारे में बताया गया है या किसका वर्णन है, वही हमारा होता है
प्रसंग। तो क्या है प्रसंग? कवि ने 13 वर्ष व्यतीत हो जाने पर लक्ष्मण के घर लौटने की प्रसन्नता का वर्णन किया है। मैथिली शरण गुप्त जी ने 13 वर्ष अर्थात जब राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास की अवधि को समाप्त करने वाले होते हैं अर्थात 13 वर्ष बीत जाते हैं तब लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी इस प्रसन्नता का वर्णन इस पद्यांश के द्वारा किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो चलिए मैं इसकी आपको सबसे सरल व्याख्या बता दूं ताकि आपको रटना ना पड़े। व्याख्या आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। यदि आप वीडियो को एकाग्र मन से देख लेते हैं और साथ ही वीडियो को देखने के साथ साथ नोट्स भी बना लेते हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अब 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं अर्थात वनवास का समय कितना था? 14 वर्ष का था, परंतु अब 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और वह क्या सोच रहे हैं कि पर है मानो कल की बात। पर ऐसा लग रहा है कि कल की ही बात है अर्थात ऐसा लग रहा है कि अभी कल ही हम वन को आए हैं और यहाँ पर रहे और इतनी इतनी बातें हो गई, इतनी लड़ाइयाँ हो गई, यह लग रहा है कि अभी मानो कल की ही बात है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। वन को आते देख हमें जब, और जब हम यानी भगवान राम और माता सीता और मैं, लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं कि जब हम भगवान राम माता सीता और मैं वन को आ रहे थे अर्थात वनवास के लिए अपने राजमहल से निकले थे तब क्या हुआ था कि वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। जब हम वनवास के लिए राजमहल से निकले थे तो हमारे पिताजी अर्थात राजा दशरथ हमको वन में आते देख कर दुख से अचेत हो गए थे अर्थात मूर्छित हो गए थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे पुत्र राम लक्ष्मण और हमारी पुत्र वधु सीता जी वन को जा रहे हैं तो वे यह सब देख ना सके और वे अचेत हो गए अर्थात मूर्छित हो गए थे। और अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। क्या सोच रहे हैं लक्ष्मण जी कि अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, कि अब वह समय वनवास की जो अवधि है वह अब समाप्त होने ही वाली है। वह जो अवधि है यानी 14 वर्ष की अवधि थी, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और 1 वर्ष शेष बचा है, तो यह जो वनवास की अवधि थी यह अब क्या होने वाली है? समाप्त ही होने वाली है। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। तो मन ही मन क्या सोचते हैं लक्ष्मण कि जो वनवास की अवधि है वह समाप्त होने ही वाली है, परंतु मुझे इस वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है अर्थात मुझे इस वनवास से बढ़कर अर्थात मैं इस वन में रहा और अपने बड़े भाई राम और माता तुल्य सीता भाभी की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और इससे बढ़कर मुझे और किस धन की आवश्यकता है अर्थात और कोई भी धन मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, क्या हो जाएगी व्याख्या? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या, और क्या हो जाएगी व्याख्या कि वनवास के समय यद्यपि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं परंतु संपूर्ण बात कल की बात की तरह हृदय पटल पर अंकित है। क्या सोचते हैं लक्ष्मण जी कि वनवास की जो अवधि है 13 वर्ष यह व्यतीत हो चुकी है परंतु ऐसा लग रहा है कि यह जो बात है वनवास की यह अभी कल की ही बात हो। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। जबकि पिताजी हमको वन में आते देख
दुख से अचेत हो गए थे, अर्थात जब भगवान राम, माता सीता और मैं वन को आ रहा था, तब पिताजी ने यह देखा कि मेरे बड़े पुत्र राम, पुत्र वधू सीता और मेरे छोटे पुत्र लक्ष्मण वन को जा रहे हैं, तो वह यह सब देख ना सके और वह अचेत होकर गिर पड़े, अर्थात मूर्छित हो गए। और क्या हो जाएगी व्याख्या कि अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। क्या हो जाएगी व्याख्या कि अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, वनवास की अवधि की समाप्ति निकट है, अर्थात वनवास की जो अवधि थी 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 14 वर्ष का वनवास था और अब वनवास की जो अवधि है पूर्ण होने ही वाली है, परंतु मुझे इस वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है। परंतु मुझे, यानी लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि परंतु मुझे इससे बढ़कर और किसी भी धन की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो इस पद्यांश का आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? काव्यगत सौंदर्य इस तरीके से हेडिंग डालना है, बिल्कुल आसान सा है काव्यगत सौंदर्य। तो इस पद्यांश में भाषा कौन सी है? खड़ी बोली में लिखा हुआ पद्यांश है। अगला बिंदु है रस, तो यहां पर शांत रस है। अगला बिंदु है छंद, छंद कौन सा है इसमें? मात्रिक छंद है। और अगला बिंदु है अलंकार, तो यहां पर उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है। कौन कौन से अलंकार हैं? उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है। तो कुछ इस तरीके से आप इस पद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं, प्रसंग व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं और आपके अच्छे नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाएंगे। आप अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें और चैनल के साथ जुड़कर अपनी विधिवत तैयारी करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।